स्टेट्स हमारे चार हैं बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ M1, M2, 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1. सो इन द स्टेट टेबल वी आर गोइंग टू हैव ऑल आर थ्री बिट्स M0, M1 एंड M2. देन वी आर गोइंग टू हैव आउटपुट्स एज वेल, X1 एंड X2, जो हमारे दो आउटपुट्स हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन कैसे हम इस आउटपुट को निकालेंगे. देन वी आर गोइंग टू हैव आर प्रेजेंट स्टेट. सो मैं इसको PS से डिनोट कर देता हूँ. एंड देन वी आर गोइंग टू हैव नेक्स्ट स्टेट, दैट इज NS. ऑलराइट, इसका मतलब क्या है? अब हमें फॉर एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ M0, M1, M2, X1, X2 निकालना है एंड वी हैव टू सी द प्रेजेंट स्टेट एंड द नेक्स्ट स्टेट. ऑलराइट, सो हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ M0, M1, M2 वी कैन हैव? ऑब्वियसली 8, 3 बिट्स हैं, सो वी कैन हैव 2 रेज पावर 3, 8 कॉम्बिनेशन. राइट, ऑब्वियसली हम X1, X2 भी निकाल सकते हैं इजिली. X1, इफ यू रिमेंबर, इट वॉज M0 XOR M1 XOR M2 एंड X2 वॉज M0 XOR M2. ठीक है, अब पहला वाला हम लोग देख लेते हैं एक बार एंट्री. सो अंडरस्टैंड दिस एंट्री वेरी केयरफुली, देन यू विल बी एबल टू इजीली ऐड द रेस्ट ऑफ द एंट्रीज इन द स्टेट टेबल. सो X1, X2 की वैल्यू हमारी डायरेक्टली यहाँ आ जाएगी, ये हमने देखा है ऑलरेडी. X1 इज M1, XOR M2. सेम वे में X2 इज M1, M0, X2. So we are getting the values of x1 and x2 as 0, 0. ठीक है, now present state हमारा अगर मैं देखूं, it is a. and अगर हमारा present state ये वाला जो है m1 m2 0, 0 है, then that means my present state is a. now whenever another bit comes and shifting happens, इन दिस केस वॉट विल बी आर नेक्स्ट स्टेट? ऑब्वियसली जब शिफ्टिंग होगी तो क्या होगा, M0 M1 में जाएगा एंड M1 M2 में जाएगा. सो इस केस में व्हेन M0 गोज टू M1, M1 विल बिकम 0, इट विल स्टिल रिमेन 0 एंड M2 विल ऑल्सो स्टिल रिमेन 0. सो मेरी जो नेक्स्ट स्टेट भी होगी इस केस में, दैट विल स्टिल बी ए. ठीक है, तो ऑल्टरनेटिवली इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि प्रेजेंट स्टेट तो मेरा देखो M1 M2 बता ही रहा है एंड नेक्स्ट स्टेट में क्या होता है, शिफ्टिंग होती है. सो शिफ्टिंग में M0 गोज टू M1 एंड M1 गोज टू M2. सो एक्चुअली नेक्स्ट स्टेट मेरा यहाँ पे कैसे पता चल रहा है, थ्रू M0 एंड M1. ठीक है, सो इट इज अप टू यू, आप M0 M1 को देख के नेक्स्ट स्टेट निकालना चाहते हो, शिफ्टिंग करके देख देख कर निकालना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है, कॉन्सेप्ट इज द सेम. मैं एक और एंट्री आपको फिल करके बता देता हूँ. इफ यू सी 001, सो M0 XOR M1 XOR M2 इज गोइंग टू गिव अस 1. तो X1 1 हो गया, M0 XOR M2 will give us again 1, to X2 1 ho gaya. Now if you see the present state here is A. Oh sorry, present state here is B, 0, 1. Alright, so kabhi bhi is state mein agar system hai, to uske corresponding next state kya hogi? या तो मैं M0 M1 ऑब्जर्व कर लूं, या मैं शिफ्टिंग करके देख लूं कि M0 M1 में शिफ्ट होगा और M1 M2 में शिफ्ट होगा.
right? So no matter how you see, the next state is going to be A, because M1 or M2 mein kya aa jayega? 0, 0. All right, so this is how we draw or construct the state table for convolution encoding scheme. Same way mein aap next questions bhi next combinations ke liye bhi nikal sakte hain. So if you see here, yahan par mere paas 1 0 hai. So 1 0 corresponds to state C. Ab agar system is state mein hai jahan par m0 m12 ki value kya hai 0 1 0. अब कोई भी नेक्स्ट बिट आएगा, वेदर इट इज 1 0, जो भी M0 में आएगा, शिफ्टिंग में लगकर M0 की वैल्यू M1 में जाएगी, M1 की वैल्यू M2 में जाएगी. सो इफ यू सी हियर, M0 M1 की वैल्यू क्या है 0 1, और शिफ्टिंग हम करेंगे तो M1 में भी क्या आ रहा है 0 आएगा, M2 में 1 आएगा. सो यू कैन सी हियर द नेक्स्ट स्टेट इज गोइंग टू बी B, सिंपली यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. So you can do it both ways, either the shifting method or simply remember ki next state aapki M0 M1 ki values se nikal aayegi. In this way you can fill the rest of the entries. Of course X1 X2 aap fill kar hi sakte hain, X1 X2 mein koi issue nahi hai, they are direct combinational logic equations, XOR ho raha hai aapka. So whenever state table for any convolution encoding scheme is asked, you have to do this. इसीलिए पहला वाला पोर्शन इम्पॉर्टेंट है. यू हैव टू नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर शिफ्ट रजिस्टर, यू हैव टू नो कितनी स्टेट्स हैं, कितने बिट्स एट अ टाइम हम कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज उसी से आप निकाल पाएंगे एंड उसी से आप ये पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे.